मेरी जान, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी तो महसूस नहीं होती? कैसी बातें कर रही हैं आप नूरअम्मी? आपने मुझे माँ जैसा प्यार नहीं दिया, बल्कि माँ से बढ़कर प्यार दिया। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ ना, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे अपने प्यार का बदला मांग रही हूँ, बल्कि मेरी गुजारिश समझना। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? तो बस हुक्म करें। यही मेरा सबसे बड़ा मान है, मेरा सबसे बड़ा भरम एक सगी माँ को अपनी बेटी पर होता है। लेकिन मैं जो भी तुमसे कह रही हूँ ना, उसे मेरा फैसला नहीं, मेरी इल्तजा समझना। बस ये सोच लेना कि ये माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसकी ये बात मान ले। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपकी बात से इनकार करूंगी? तुमने इस घर को जिस तरह संभाला है, जिस तरह तुमने मुर्तजा की खिदमत की है, रामिस जिस तरह तुमसे अटैच है, जहां जेब को तुमने डिप्रेशन से निकाला, अफशां हानिया उन दोनों को जिस तरह संभाला, जिस तरह उनकी देखभाल की, मुझे ऐसे लगता है अब ये घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। इफी, अब जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूं ना, जब इस बदमाश को पता चलेगी तो ये आसमान सर पर उठा लेगा। मैं चाहती हूं तुम हमेशा इस घर में रहो, इस घर की बहू बनके। अच्छा, खुदा का शुक्र है तुम्हें कोई एतराज नहीं है, वरना मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी। वो तो कह गया है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा, और तुम जानती ही हो कि जहां जिद कितना जिद्दी है, जिस बात का फैसला कर ले फिर बिल्कुल नहीं मानता। और ये रामिस, ये तो अब ड्रामे करेगा। हिफी मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन खैर, अब वो बन के ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। करीम जिंदा होता तो कितना खुश होता। तुम रो रही हो, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नूरअम्मी, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगी। ये चेहरा मेरे घर की शान है, इन आंखों में अब आंसू नहीं आने चाहिए।